उनके सहाबी ने देखें जो जुम्मा मुबारक हर बंदा कहता है जुम्मा मुबारक और स्टेटस लगाते हो एक दूसरे को मैसेज करते हो जुम्मा मुबारक, तो ऑथेंटिसिटी के साथ इस पे कोई हदीस नहीं मिलती ठीक है, और कि किसी सहाबा ने जो है इसको या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जुम्मा मुबारक कहा हो जुम्मे के मौके पर। और इसका नुकसान पता है क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि अभी तो हम इजीली कह देते हैं जुम्मा मुबारक, लेकिन जिस तरह ये ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है कल को ये ट्रेंड इतना फेमस हो जाएगा कि हमारी आने वाली नस्लें ये समझेंगी कि ये भी दीन का हिस्सा है, ये भी जो है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो एजुकेशन है जो तालीमात हैं उनमें से एक हिस्सा है। तो जो कोई भी दीन में कोई इजाफी चीज़ डालेगा तो वो रद्द है, बेदत जिसे कहते हैं, तो इससे बचना चाहिए। तो ये आप जुमा मुबारक कहते हो तो इस चीज़ से जो है बचना चाहिए, या तो अगर आपने कोई ऑथेंटिसिटी के साथ कोई हदीस पढ़ी है या फिर कोई जो है आपने नबी की हदीस पढ़ी है कोई सहाबा का कोई कॉल सुना है तो फिर तो आप चले करें, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं है तो जुम्मा मुबारक कहने से परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि कल को जो है इसको दीन का हिस्सा समझ लिया जाएगा और फिर दीन में जो कोई नई चीज़ ऐड करेगा फहुआ रद्द, वो रद्द है, वो डिनाइड है, वो कबूल नहीं है।